हेलो क्लास, ये हमारा लास्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का, मेटा डेटा। और मेटा डेटा में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? डबलिन कोर के बारे में। अब मेटा डेटा होता क्या है? मेटा डेटा इज़ डेटा दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा, यानी एक चीज़ के बारे में जानकारी देना। एक कोई फ़ोटो है, उस फोटो के बारे में जो और जानकारी होगी वो उसका मेटा डेटा है। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे बारे में जो जानकारी है, मेरा नाम है, मेरी हाइट है, मेरा स्किन कलर है, मेरी एजुकेशन है, मेरा वेट है, ये सब मेरा मेटा डेटा है। तो अगर आप कोई इमेज स्टोर करते हैं अपने फ़ोन में, तो उसका मेटा डेटा क्या होगा कि वो कहाँ पर सेव्ड है, वो कौन से कैमरा से क्लिक हुई है, कब क्लिक हुई है, उसका साइज़ क्या है, कहाँ पर स्टोर्ड है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसका मेटा डेटा बन जाती हैं। मेटा डेटा कितने तरह का होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, स्ट्रक्चर होता है और रेफरेंस होता है। डिस्क्रिप्टिव क्या है? जैसे कैटलॉग कार्ड हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? यूज़ इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय यूजिंग पासवर्ड। इसमें क्या नाम है, यूज़र्स के लिए पासवर्ड लगा के रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है इसका यूसेज। स्ट्रक्चर में क्या आएगा? पैराग्राफ की, लाइन की, कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सन 2002 से क्या हुआ? फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स के बाद से मेटा डेटा रिफर्स टू डिजिटल फॉर्म्स बट इन ट्रेडिशनल टर्म्स। उसके 2010 के बाद से हम इसको डिजिटल फॉर्म में इसकी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जब ट्रेडिशनल था तब क्या था? कैटलॉग कार्ड था, वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल। कैटलॉग कार्ड ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मेटा डेटा को दर्शाता था। यानी कैटलॉग क्या कार्ड क्या था? एक किताब का, हर एक किताब का मेटा डेटा था। जितनी भी 1000 किताबें हैं तो 1000 कैटलॉग बने हुए हैं, तो वो उस किताब का मेटा डेटा है जो कि फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होता था। दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, जैसे कि उसका ऑथर क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो उसका मेटा डेटा होती थी। अब डेफिनेशन क्या है? मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, किसी एक चीज़ के बारे में अतिरिक्त जो जानकारियाँ होंगी वो मेटा डेटा कहलाएंगी। मेटा एक ग्रीक वर्ड है और इसका पहला यूज़ कब हुआ था, किसने किया था? 1968 में पहली बार इसका यूज़ किया था फिलिप बैगले ने। मेटा डेटा इज़ डिफाइंड एज द डेटा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वन एंड मोर आस्पेक्ट ऑफ द डेटा। कोई एक चीज़ है, उसके कई सारे अलग अलग पहलुओं के बारे में जो जानकारी देता है, जिसके साइट्स के बारे में बताता है, वो होता है मेटा डेटा। जैसे मीन्स क्यों उस डॉक्यूमेंट को बनाया गया है, उसका क्या पर्पज़ है, उसको किस समय किस दिन उसको बनाया गया है, उसका फाइल साइज़ क्या है, और सोर्स ऑफ डेटा क्या है, कहाँ से आया है, कैसे बना है, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल क्या हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी सर्च समथिंग ऑन गूगल, एवरी टाइम वी फाइंड डिफरेंट हाइपरलिंक्स ऑन एवरी पेज और एवरी सेकेंड लाइन। जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें अलग अलग पेजेस मिलते हैं, अलग अलग हाइपरलिंक्स मिलते हैं, हर पेज में अलग लिंक होगा, सेकेंड लिंक दैट डायरेक्टर्स, जो हमें एक अलग पेज पर लेकर जाता है, ठीक है। मतलब हमने सर्च तो एक ही चीज़ की हुई है, लेकिन उसी के रिगार्डिंग, उसी एक ही चीज़ के लिए इतने सारे पेजेस बने हुए हैं, और हमने एक चीज़ सर्च करी, उसके एक हाइपरलिंक पे क्लिक किया, तो वो एक डेटा है, वो हाइपरलिंक, और जहाँ वो हमें लेकर जाएगा वो उसका मेटा डेटा है। यानी एक डेटा के बारे में और डेटा। और डिजिटल इमेज मे इंक्लूड मेटा डेटा दैट डिस्क्राइब हाउ लार्ज द पिक्चर। डिजिटल इमेज यानी जो आपके फ़ोन में स्टोर्ड है, उसका मेटा डेटा क्या होगा कि उसका पिक्चर, उसका साइज़ क्या है, और कलर डेप्थ क्या है, इमेज का रेजोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसका मेटा डेटा क्या होगा? मे कंटेन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट, हाउ लॉन्ग इज़ द डॉक्यूमेंट एंड ऑथर कौन है उसका, डॉक्यूमेंट कब बना था, कब लिखा गया था, उसकी शॉर्ट समरी क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और मैंने आई सर्च मेटा डेटा ऑन गूगल, मैंने मेटा डेटा ढूंढा कहाँ पर? गूगल पे। बहुत सारी साइट्स मेरे सामने खुलकर आ गई, लेकिन मैंने विकिपीडिया पे क्लिक किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यहाँ से मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ यूज़फुल मिल जाए, बाकियों पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। इट शोड अप अ हाइपरलिंक, उसमें मुझे एक हाइपरलिंक मिला। जब मैंने उस हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो इट शोड द ओरिजिनल सोर्स ऑफ आर्टिकल। तो उसमें क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे जाकर हाइपरलिंक में क्लिक किया तो वो मुझे उस असली डॉक्यूमेंट तक लेकर गया जहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करके इस पेज पर लिखा गया था। मतलब वो एक आर्टिकल है जो किसी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ था, और उसी को कंक्लूड करके, शॉर्ट करके विकिपीडिया के पेज पे उसकी जानकारी दी गई थी, तो इन्होंने मुझे डायरेक्टली वहाँ पहुँचा दिया। तो इस तरह से मेटा डेटा काम करता है। अब डबलिन कोर क्या है? डबलिन कोर इज़ अ स्मॉल सेट ऑफ वोकैबुलरी दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब डिजिटल रिसोर्सेस। ये एक स्मॉल सेट ऑफ वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी मतलब कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिजिटल रिसोर्सेज को
के बारे में बताते हैं, जैसे वीडियो है, इमेज है, वेब पेज है, इनके बारे में, एज वेल एज़ फिज़िकल रिसोर्सेज जैसे बुक्स हैं, सीडी है एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक आर्ट वर्क, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको कहते हैं। 1995 में OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर ने NCSA के साथ में मिल करके काम करना शुरू किया। इन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करी, कहाँ पे? डबलिन में, जो कि ओहियो में एक सिटी है, कहाँ पर है? USA में है, जहाँ पे कोर डेटा बनाने का काम हुआ, यानी कि बेसिक कुछ डेटा बनाने का काम हुआ कि हाँ ये चीज़ें, ये फॉर्मेट्स होने चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, उस पर काम हो रहा था। सन 2000 में डबलिन कोर कंबाइंड किसके साथ में? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के साथ में इसने कोलैबोरेट किया एंड डिड सम वर्क रिलेटिंग टू RDF यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क का काम किया एंड डेवलप्ड अ फॉर्मेट टू रिकॉर्ड डेटा वर्ल्ड वाइड। इनके साथ मिलकर के इसने काम किया और एक ऐसा फॉर्मेट बनाया कि जिसमें पूरी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इसको फॉलो करके एक यूनिफॉर्म तरीके से एंट्री की जा सके, डेटा को बनाया जा सके। अब डबलिन कोर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 15 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको रट लेने हैं। बहुत बार पूछा जाता है और अभी भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा कि डबलिन कोर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 15 एलिमेंट्स होते हैं। और ये 15 क्या हैं? टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज एंड राइट्स। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक आइडेंटिफायर होगा, बाकी कुछ और लिखा होगा, आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा डबलिन कोर का मेटाडाटा है, या चार लिख देंगे उसमें से एक कोई अलग होगा, तीन टाइटल क्रिएटर सब्जेक्ट हो गए और एक टाइम हो गया, आपसे पूछेंगे कौन सा वाला वो एलिमेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में जब आप राइटिंग करेंगे तो आपको ये 15 के 15 एलिमेंट्स लिखना कंपलसरी है, इट विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स फॉर यू। बैकग्राउंड कहाँ से इसकी कैसे शुरुआत हुई? डबलिन इज़ अ प्लेस इन ओहियो USA, USA में एक जगह है ओहियो, वहाँ पर है ये डबलिन, वेयर द स्कीम ऑफ क्रिएटिंग दीज मेटा डेटा एलिमेंट्स, जहाँ पर ये 15 मेटा डेटा एलिमेंट्स को बनाने की शुरुआत की गई थी। ओरिजिनेटेड इन द ईयर कौन से साल में? 1995 में शुरू किया गया था एक वर्कशॉप में, जो कि मेटा डेटा के ऊपर रखी गई थी, और उसको होस्ट किसने किया था, यानी ऑर्गेनाइज किसने किया था? OCLC ने, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर ने, जो कि एक लाइब्रेरी कंसोर्टियम है जो डबलिन में ही है। डबलिन यानी इस जगह पे एक OCLC करके कंसोर्टियम है, जहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी मेटा डेटा के ऊपर 1995 में, और यहाँ पे मेटा डेटा बनाने का काम किया गया था पहली बार। एंड कोर का क्या मतलब होता है? रिफर्स टू द मेटा डेटा टर्म सच एज ब्रॉड एंड जेनेरिक, यूजेबल फॉर डिस्क्राइबिंग अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए एक इन्हीं टर्म्स का यूज़ किया जाए। और DCMI का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड्स फॉर डबलिन कोर मेटा डेटा इंस्टीट्यूट। ये क्या है? एक इंस्टीट्यूट है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? डबलिन कोर मेटा डेटा इंस्टीट्यूट। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वर्किंग टू स्प्रेड फास्ट द एडॉप्शन ऑफ मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स। ये संस्था का क्या काम है? ये लगातार काम कर रही है कि पूरे विश्व में मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया जाए और उसको यूज़ किया जाए, उसी के बेस पे काम किया जाए। द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड मेटा डेटा वोकैबुलरीज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्यों मेटा डेटा का यूज़ किया जाए? रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करने के लिए एक पर्टिकुलर टैग दे दिया जाएगा और उसी से आपके उस रिसोर्स को डिफाइन किया जाएगा। रोल ऑफ मेटा डेटा एंड डबलिन कोर इन डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है? इन इम्प्रूविंग डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज वी नीड टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट इन डिजिटाइज्ड फॉर्म। अब हमें क्या है कि डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस देने के लिए हमें प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट, यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटाइज फॉर्मेट में देने की आवश्यकता है। और मेटा डेटा का मतलब क्या है? वी आर क्रिएटिंग डेटा ऑफ सम डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक डॉक्यूमेंट जो पहले से ही है, उसका अस्तित्व है, उसी के बारे में हम और जानकारी दे रहे हैं, डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में भी दे रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत सारी हैं, वी कैन एक्सेस ओनली दोज, लेकिन हम सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे हमें विजिट करने की परमिशन दी गई हो। वैसे ही डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है सर्च करने के लिए कंटेंट को उन लाइब्रेरीज में से।
ये आपका मेटा डेटा वाला यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।